মধ্যপ্ৰদেশৰ মন্দসৌৰ জিলাত অৱস্থিত এয়া ভগৱান কুবেৰৰ মন্দিৰ। এই মন্দিৰ সম্পৰ্কে প্ৰচলিত আছে বহু জনশ্ৰুতি। এই মন্দিৰ এবাৰ দৰ্শন কৰিলে ধন সোণ ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰে ভৰি পৰে ভক্তৰ ঘৰ। ধোলাগড় মহাগড় নামেৰেও প্ৰসিদ্ধ এই ঐতিহাসিক কুবেৰ মন্দিৰ। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जब कुबेर की पूजा की जाती है तो किसी प्रकार धन संबंधी कोई भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होती है। मंदसौर का यह प्राचीन कुबेर मंदिर है जिसके बारे में किंवदंती यह है कि यह देवताओं और यतियों द्वारा उड़ाकर यहाँ पर लाया गया था। इसकी स्थापना नहीं की गई थी लेकिन इतिहास बताता है कि मराठा काल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था और मराठा शासकों ने इस मंदिर का यहाँ पर जीर्णोद्धार कराया था और उसके बाद में इस मंदिर का अब जिला प्रशासन द्वारा धीरे धीरे विकास किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर में प्रवेश कैसे किया जाता है। एक छोटा सा यहाँ पर दरवाजा है और यहाँ इस दरवाजे के ऊपर भगवान गणेश विराजित है। इसके बाद इस दरवाजे में अगर मंदिर के गर्भगृह में आपको प्रवेश करना है तो सीधे आपको बैठ करके इसमें जाना होगा। खड़े हुए इस मंदिर में प्रवेश नहीं की जा सकते। इसके बाद में जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे एक बड़ा शिवलिंग है जिसको धोलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग है जिसमें शेषनाग भगवान शिव के ऊपर विराजमान है और इसके साथ ही धन के देवता कुबेर यहाँ पर विराजित है। आप देख सकते हैं कि ये भगवान कुबेर है जिनके एक हाथ में प्याला है, दूसरे में धन की पोटली है और जो भगवान कुबेर की सवारी कहा जाता है नेवला, उस पर भगवान कुबेर यहाँ पर विराजित है। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये भगवान कुबेर में शिव के साथ में गणपति और माता पार्वती भी यहाँ पर विराजित है और शिव परिवार के साथ ये कुबेर मंदिर यहाँ पर स्थापित है और धनतेरस को यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का मंदिर केवल भारत में दो जगह है, एक केदारनाथ केदारेश्वर में विराजित है और दूसरा मंदसौर के इस प्राचीन चिखिचीपुरा गांव स्थित है, वहां पर भगवान महादेव शिव के साथ में यह मंदिर भगवान कुबेर का स्थापित है और धनतेरस के दिन यहां पर श्रद्धालु आते हैं और अपने धन संबंधी मनोकामना पूरी करते हैं। ইয়াত ভগৱান কুবেৰৰ সৈতে আৰাধনা কৰা হয় মহাদেৱ শিৱৰ, য'ত নকুলৰ ওপৰত স্থাপিত হৈছে ভগৱান কুবেৰৰ বিগ্ৰহ। জিলা সংগ্ৰহালয়ত স্থাপিত ভগৱান কুবেৰৰ বিগ্ৰহত বিগত ডেৰ দশক ধৰি পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে স্থানীয় ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে। সেয়া এতিয়া পৰিণত হৈছে পৰম্পৰা। দশম শতিকাতে নিৰ্মিত এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতেই সুউচ্চ বিদিশাৰ প্ৰতিমা এতিয়া সংৰক্ষিত হৈছে সংগ্ৰহালয়ত। দেৱালীৰ দুদিন পূৰ্বে ভাৰতত পূজিত হয় ধন ঐশ্বৰ্যৰ দেৱতা কুবেৰ। ধনতেৰছৰ দিনাই আৰম্ভ হয় ভগৱান কুবেৰৰ পূজা। সেইদিনাই মধ্যপ্ৰদেশৰ বিদিশা জিলাত থকা সংগ্ৰহালয়টোত গোট খাই সহস্ৰাধিক লোক, য'ত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে দশম শতিকাৰে সুউচ্চ ভগৱান কুবেৰৰ শিলৰ প্ৰতিমা। বিদিশা চহৰৰ একাংশ যুৱকে বিগত ডেৰ দশক ধৰি পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে কুবেৰৰ এইজনা বিগ্ৰহ। কোৰোণাতংকৰ পাছতো এইবাৰো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে পূজাৰ পৰম্পৰা। স্থাপত্যৰ দিশৰ পৰা ব্যতিক্ৰমী মন্দিৰটোক লৈ প্ৰচলিত আছে বহু জনশ্ৰুতি। আনহাতে মাৰাঠাসকলে এই মন্দিৰ স্থাপন কৰাৰ লগতে ধনতেৰছত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱা বুলিও দাবী কৰে আন একাংশই। সেই তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতি দেৱালীত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে এই মন্দিৰত। মুখ্য ৰূপে সবচে বড়ি চিজ ইয়ে হে কি वर्तमान में नए नए मंदिर भगवान कुबेर के कई हो सकते हैं लेकिन प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो मालवांचल ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ भगवान के बाद मंदसौर शहर में ही एकमात्र भगवान कुबेर का मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान शिव के अलावा माता पार्वती, गजानन जी और साथ में स्वयं कुबेर भगवान विद्यमान है। हालांकि आपको इतिहास में हो सकता है इस बात की जानकारी ना मिले लेकिन किंवदंती है
कि देवताओं के यतियों द्वारा तपस्या करके इस मंदिर को उड़ाकर लाया गया था और इसका बहुत महत्व है। प्रतिवर्ष धनतेरस के दिन लगभग पूरा शहर और शहर ही नहीं अपितु आसपास के क्षेत्र के काफी लोग प्रातः 2 बजे 4 बजे से अपनी अपनी मनोकामनाएं, धन संबंधी मनोकामनाएं विशेषतः लेकर आते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं और उसके फलस्वरूप उनको काफी मात्रा में धन प्राप्ति होती है और उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती है। तांत्रिक क्रिया के माध्यम से भगवान कुबेर को प्रसन्न किया जाता है, किस तरह से तंत्र विद्या का महत्व है कुबेर बनाने में? देखिए, भगवान कुबेर असल में अगर हम पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो भगवान कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं और आप जानते हैं कि रावण जो यहाँ के मंदसौर या दशपुर के दामाद भी कहे जाते हैं, उनके छोटे भाई सौतेले भाई कुबेर हुए हैं और ये काफ़ी इनने जो साधना की है वो शिव भगवान शंकर के बाद की साधना हिमालय में इनके द्वारा की गई है। अब तांत्रिक और शास्त्रोक्त अगर बात करें तो भगवान कुबेर को धनपाल की पदवी भगवान शिव द्वारा दी गई है। इनने जो साधना की है वो साधना केवल हिमालय में भगवान शिव के द्वारा, केवल कुबेर भगवान के द्वारा की गई है। यहाँ प्रातः काल में तंत्र विधि तो आप अपन कह सकते हैं, वैसे रुद्र पाठ सुबह सुबह यहाँ पर किया जाता है, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, इनके मंत्रों का जाप किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, हवन किया जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान कुबेर को रिझाया जाता है। चूंकि धन के देवता हैं और वर्तमान समय में धन अत्यंत आवश्यक वस्तु हो गई है मानव जीवन के लिए, इसलिए लोगों की और अधिक विश्वास और अधिक आस्था भगवान कुबेर के प्रति हुई है। और हम देख रहे हैं, मैं स्वयं पिछले 10-20-25 सालों से देख रहा हूँ कि भगवान कुबेर के यहाँ पर सुबह 4 बजे से अनुष्ठान चालू होते हैं, पूजाएं चालू होती है, लोग अपने अपने तरीके से साल भर का व्रत उपवास करके उनके यहाँ खोलने जाते हैं, अपनी मान्यताएं उनके अनुसार पूजा करते हैं और उसके अनुरूप उनको फल भी मिलता है। यह एक गुप्तकालीन मंदिर है तथा मराठा काल में इसका जन उद्धार हुआ था। प्राचीन समय में यतियों द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर है तथा भगवान कुबेर भगवान शिव के साथ में विराजमान है। एक हाथ में धन की पोटली लिए, दो में शस्त्र लिए, एक में प्याला लिए और तथा भगवान कुबेर नेवले पर विराजमान जो इनकी वास्तविक सवारी है तथा भगवान कुबेर जो शिव के प्रिय मित्र कहलाते हैं और धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा अर्चना एवं दर्शन करने से धन में बढ़ोतरी होती है, अर्थव्यवस्था अच्छी होती है और आपकी जो भी मनोकामना रहती वो पूर्ण होती है। इस तरह के जो कुबेर मंदिर और कहां पर स्थापित है? भगवान कुबेर जी धन की पोटली हाथ में लिए पूरे भारत में, एक तो केदारेश्वर में विराजमान है और एक गांव खिलचीपुरा में विराजमान है जी। यहां पर भगवान शिव के साथ और कौन कौन से भगवान कुबेर के साथ में? माँ पार्वती जी और श्रीमन महागणेश विराजमान है, शिव परिवार के साथ भगवान कुबेर जी विराजमान है जी। धनतेरस जो है उस पर किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर रहने वाला है? भगवान कुबेर जी की पूजा अर्चना रात्रि को एक गुप्त पूजा और तांत्रिक पूजा होती है जो मध्य रात्रि को होती है, जिसमें केवल मुख्य पुजारी और कुछ ऐसे जो तांत्रिक हैं उनके द्वारा ही ये पूजा की जाती और वो पूजा पूरी गुप्त रखी जाती। ইতিহাসবিদ আৰু পুৰাতত্ত্ববিদসকলে কুবেৰ মন্দিৰক লৈ প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ মত। তেখেতসকলৰ মতে মাৰাঠা শাসনকালত পুনৰ নিৰ্মাণ হৈছিল মনসুৰৰ এই কুবেৰ মন্দিৰ। তাৰোপৰি ভগৱান কুবেৰৰ সৈতে স্থাপিত শিৱলিংগটো অঞ্চলটোৰ ভিতৰতেই অতি বৃহৎ আকৃতিৰ।
मंदसौर नगर के खिलचीपुरा ग्राम में जो कुबेर मंदिर स्थित है, वास्तव में वह प्राचीन मंदिर रहा होगा, लेकिन मुसलमानों के या मुगलों के विनाश के कारण जो चीज़ नष्ट हो गई थी उसको पुनः मराठों के काल में स्थापित की गई। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से यह जो मंदिर बना हुआ है यह मराठा काल का मंदिर है और इसके अंदर भगवान शिव का सबसे बड़ा जो लिंग है तहसील के अंदर, तहसील सर्वेक्षण में मुझे सबसे बड़े लिंग की जो प्राप्ति हुई है वो इसी मंदिर के अंदर से हुई है। भगवान शिव और कुबेर दोनों आपस में मित्र कहे गए हैं, इसलिए संभवतः जो शिल्पकार थे, जो मूर्तिकार थे, उन्होंने इस संबंध को समझते हुए कुबेर जी की प्रतिमा दीवार के अंदर लगा रखी है। और ये कुबेर जो है, कुबेर इंद्र की नौ निधियों का स्वामी है, वह रावण का सौतेला भाई है, वह मीनाक्षी का पिता है और इस संबंध के कारण, लेकिन कुबेर का एक जो प्रतिमा शास्त्रीय विधान है उसमें उसको असंगत रूप का यानी उसके शरीर के अवयव एक जैसे नहीं होते हैं, उसका पेट बड़ा मोटा दिखाया जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखाई जाती है। और इस कुबेर प्रतिमा के अंदर एक विशेषता यह है कि इसके गले के अंदर जो हार है उसमें एक नखदंत लटका हुआ है। यह प्रेतवाहन है, चतुर्हस्ता है, इसके एक हाथ में शराब का प्याला है। क्योंकि कुबेर देवताओं की निधि का स्वामी होता है इसलिए वो मदिरा विष्णु भी बताया गया है प्रतिमा शास्त्र के अंदर, और उसके हाथ के अंदर शराब का प्याला दिखाया जाता है। कुबेर चूंकि नौ निधियों का स्वामी है इसलिए उसके एक हाथ में नकुल यानि धन की पोटली दर्शाई जाती है, और यह जो पोटली है यह भी इस मंदिर के अंदर निर्मित प्रतिमा के अंदर दिखाई गई है। यद्यपि कुबेर का शास्त्रों में देवता होने के पश्चात भी इसके पूजा का विधान कहीं बताया नहीं गया है। इसकी अर्चना धन के अवसरों पर, धन त्योहार जिनसे संबंधित होते हैं जैसे धनतेरस आदि के ऊपर इसकी विशेष अर्चना की जाती है, लेकिन अब स्थानीय लोग इस पर इतना सिंदूर चढ़ा दिया है कि अब इसके अंग अवयवों की पहचान करना मुश्किल है। 1978 में हमने इसके सारे प्रतिमा स्वरूप विधान का वर्णन किया था जो अब तक मौजूद है। जो कुबेर है वो नेवले पर इनका वो, हाँ, नेवला उसका वाहन है जी। उसका वाहन जो है नेवला, उसके हाथ नेवली उसके हाथ में रहती है, और कुबेर जो है प्रेत वाहन है यानी मनुष्य के का जो शव होता है उसके ऊपर खड़ा रहता है जी। हाँ, तो प्रेतासना प्रेत वाहन कहा गया है उसको। और नवली जो होती है, पुराने जमाने में धन की थैलियां होती थी जिनको कमर के अंदर बांधा जाता है। मैं बता दूं आपको, मेरे पास है वो थैली, बताऊं क्या आपको? इसे बता दो आप। नहीं, वो बहुत विचित्र है। हाँ, मैं देखूंगा। हाँ, वो जो नोली है वो पहले कमर के अंदर बांधी जाती थी और उसके अंदर सिक्के आदि भरे जाते थे, और वह प्रचलित जो नोली है इसके हाथ के अंदर अभी भी विद्यमान। तो यहाँ बताते हैं कि ये धन के देवता है, और इस जगह जहाँ मंदिर है ऐसी किंवदंती कि मंदिर उड़ के आया और धन बहुत है यहाँ इस जगह, ऐसा कहना तो ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं है। क्योंकि मांडू के सुल्तानों की सेवाएं जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने जाती थी तब खिलचीपुरा में वो रहती थी, और 1445 में महमूद खिलजी ने यहाँ पड़ाव किया था, ऐसा मुगल ऐसा तवारीखों के अंदर उल्लेख भी मिलता है। और जहाँ तक इस मंदिर का सवाल है, यह मंदिर उड़ के आने का इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसकी बकायदा नीमें हैं और इसके ऊपर बकायदा चूने का संदला जो कहलाता है उसका प्लास्टर भी किया हुआ है। इसलिए और मंदिर के नीचे कोई धन आदि हो ऐसा लोक श्रुतियों में तो कहा जाता है, लेकिन अभी तक ऐतिहासिक आधार पर हमने कई मंदिरों का डेब्री क्लियरेंस किया है, कई मंदिरों का पुनर्स्थापन हुआ है, लेकिन वहां से कभी ऐसी धन संपदा प्राप्त नहीं हुई है।
প্রতি দেওয়ালীত মনসুরের এই কুবের মন্দিরলৈ আগমন ঘটে হাজার হাজার ভক্তর। দেওয়ালীত ইয়ালৈ আহি প্রার্থনা করিলে মনোকামনা পূর্ণ হয় বলে বিশ্বাস করে অঞ্চলটির রাইজে। তন্ত্র সাধনার সমাপ্তি হয় কুবের মন্দিরের দেওয়ালীর পূজা। পূজার তন্ত্র সাধনাত অংশ লওয়া সকলের মনোকামনা পূরণ হয় বলেও বিশ্বাস করে স্থানীয় লোকে। মানসুরের নরেন্দ্র ধনুটিয়ার সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18।